हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारे घर में जब ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं। आज हम इसी फ्यूज बल्ब से क्राफ्ट बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले पुट्टी का डो तैयार करेंगे। हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके डो तैयार करेंगे। इसमें किसी भी तरह का ग्लू मिक्स नहीं करेंगे। पुट्टी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं मैंने पहले भी बताया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डो बनाने के बाद आप अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लें। मैंने यहाँ पे नारियल तेल लगाया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी तेल लगा सकते हैं। आप तेल की जगह पाउडर भी लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी बॉल पुट्टी लें और उससे बल्ब को कवर करें। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बॉल पुट्टी लेंगे और पूरे बल्ब को कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसे हम पानी की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हम इस बल्ब से रैबिट बनाएंगे। पूरे बल्ब को कवर करने के बाद हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और रैबिट के आगे का सिरा बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप इसे ज़्यादा स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखने से हमने जो क्राफ्ट बनाया है वो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। आगे का सिरा बनाने के बाद हम इसे भी पानी के हेल्प से मिला लेंगे और बस कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। अब थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और हम इससे रैबिट के कान बनाएंगे। हमने रैबिट के दोनों कान को बना लिया है और इसे भी कुछ देर के लिए सूखने देंगे। इसके बाद हम इसके पैर को भी बना लेंगे। आप ध्यान से देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको इसे बनाने में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। हम रैबिट के आगे वाले पैर को कुछ इस तरह का बनाएंगे। इसके बाद हम रैबिट के लिए गाजर बनाएंगे। रैबिट को गाजर बहुत पसंद है, इसे हम पेपर और सेलो टेप की हेल्प से बनाएंगे। आप पेपर को मसलकर एक जगह कर ले, दूसरा पेपर ले और उसमें इसे रखकर गाजर का शेप दें। शेप देने के बाद हम इसे सेलो टेप की हेल्प से कवर करेंगे। अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है तो आप इसे पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। सेलो टेप से कवर करने के बाद हमने जो बॉल पुट्टी का डो तैयार किया है उससे इसे कवर करेंगे। थोड़ी सी बॉल पुट्टी ले, हाथों से फैलाएं और कवर करें। कवर करने के बाद इसे पानी की हेल्प से स्मूथ करें और सूखने के लिए रख दें। फ्रेंड्स, आप पुट्टी से कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं तो बहुत ही आराम से बनाएं। एक लेयर आपका सूख जाए उसके बाद ही दूसरे लेयर पर काम करें। हमने जो खरगोश का बेस तैयार किया था वो प्रॉपर सूख गया है, तो अब हम इस पे आगे की डिटेलिंग करेंगे। थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और आगे वाले सिरे पे इसे पानी की हेल्प से चिपका के रैबिट का फेस तैयार करेंगे। टूल्स की हेल्प से रैबिट के माउथ को बना लेंगे। थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और रैबिट के नोज को भी बना लेंगे। इसके बाद हम रैबिट का हेड तैयार करेंगे। थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे, ऊपर वाले सिरे पे इसे रख के हेड का शेप दें। टूल्स की हेल्प से रैबिट की आंखें बना लें। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
हमने जो रैबिट के कान और पैर बनाए थे वो सूख गए हैं, तो इसे हम चिपका लेंगे। इसे हम बॉल पुटी के गाढ़े घोल से चिपकाएंगे। अगर आपने जो बॉल पुटी का डो बनाया है वो बच गया है तो बस उसमें थोड़ी सी पानी मिक्स करें और इससे गाढ़ा घोल तैयार कर लें। जहाँ पे भी इसे चिपकाना है वहाँ पे बॉल पुटी का घोल लगाएं और इसे चिपका लें। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। कान को चिपकाने के बाद हमने जो रैबिट का पैर बनाया है उसे भी चिपका लेंगे। बचे हुए बॉल पुटी के डो से हम रैबिट की पूंछ भी बना लेंगे। हमने जो रैबिट और कैरेट बनाया है वो प्रॉपर सूख गया है, तो अब एक सैंड पेपर लेंगे और अनइवन एरिया को उससे हटा लेंगे। इसके बाद हम इसे कलर करेंगे। कलर आप अपने अकॉर्डिंग करें, आपको जो भी कलर पसंद है आप उस कलर से करें। मैं इसके ईयर को सबसे पहले पिंक कलर से कलर कर रही हूँ। कलर मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया था, अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रैबिट को हमने कलर कर लिया है, तो अब इसके बाद गाजर को भी कलर करेंगे। हमने गाजर को कलर कर लिया है, तो अब हम इसकी पत्तियां बनाएंगे। पत्तियों को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक रंगीन पेपर यूज किया है। पत्तियां बनाने के बाद हम इसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। लिप्स पे हम येलो कलर से कलर करेंगे। तो फ्रेंड्स, घर में पड़े बेकार फ्यूज बल्ब, कागज और थोड़ी सी बॉल पुटी की हेल्प से हमने इतना सुंदर क्राफ्ट बनाया है। आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।